नमस्कार, आप देख रहे हैं चले न्यूज। मैं नैन्सी बजाज, देखते हैं सुबह की 10 ताजा खबरें। राहुल को जान से मारने की धमकी। इंदौर में एक दुकान पर सनसनीखेज लेटर मिला है, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी की खालसा कॉलेज में होने वाली सभा पर हमले की धमकी दी गई है। इसी के साथ पूरे इंदौर को बम विस्फोट से ढला देने की धमकी भी दी है। लिफाफे पर लेटर भेजने वाली की जगह रतलाम के भाजपा विधायक चेतन कश्यप के नाम लिखा है। इस मामले में पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यहां जांच में जुटी है। एडिशनल डीसीपी प्रशांत चौबे का कहना है कि धमकी देने वाले अज्ञात आरोपी की तलाश की जा रही है। बता दें, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 23 नवंबर को एमपी में प्रवेश कर रही है। उनकी 28 नवंबर को इंदौर में सभा होगी। पत्र में सबसे ऊपर वह गुरु लिखा है, फिर नीचे लिखा है कि 1984 में पूरे देश में भयंकर दंगे हुए, सिखों को कत्ले आम किया गया, पार्टी में इस जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। देश का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस लॉन्च हो गया। ये रॉकेट आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा स्पीड के अंतरिक्ष की ओर गया। 81.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर 3 पोलर सफलता इजेक्ट किए। 79.5 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई हासिल की और फिर समुद्र की स्प्लैश डाउन हो गया। लॉन्चिंग के साथ ही इसे बनाने वाले 4 साल पुराने स्टार्टअप स्काई रूट एयर स्पेस के नाम की एक बड़ी उपलब्धि दर्ज की गई है। कंपनी का कहना है कि इससे सैटेलाइट लॉन्चिंग कैप बुक करने जितनी आसान हो जाएगी। इसे उस सब की शुरुआत होती है साल 2018 जब इसरो के साइंटिस्ट पवन कुमार चंदना और नागा भारत डकाक ने नौकरी छोड़कर अंतरिक्ष में जुड़ी कंपनी चलाने का फैसला किया था। उस वक्त भारत के कोई प्राइवेट प्लेयर नहीं थे, इसलिए आईआईटी के इन दोनों पूर्व छात्रों को भविष्य भी धुंधला दिख रहा है। केजरीवाल एलजी के बीच नई लड़ाई। दिल्ली के केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच टकराव एक बार फिर सामने आ रहा है। एलजी वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी सरकार के थिंक टैग माने जाने वाले डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन ऑफ दिल्ली डीडीसीडी के वाइस चेयरपर्सन जैस्मीन शाह को बर्खास्त कर दिया। शाह पर आरोप था कि वे सरकारी ऑफिस का इस्तेमाल राजनीतिक मकसद के लिए कर रहे हैं। डीडीसी दिल्ली सरकार के लिए ठीक उसी तरह काम करते जैसे भारत सरकार के लिए नीति आयोग यानी यह नीति बनाने और उन्हें लागू करने का काम करते। एलजी ने गुरुवार शाम को जारी आदेश में शाह को अपना ऑफिस इस्तेमाल करने से रोक दिया। दिल्ली सरकार के प्लानिंग डिपार्टमेंट के आदेश पर सिविल लाइंस एसडीएम की देर रात डीडीडीसी ऑफिस को सील कर दिया। उनमें सरकारी गाड़ी समेत बाकी सुविधाओं को भी प्रभाव से वापस ले ली गई हैं। उनके खिलाफ भाजपा सांसद परवेश वर्मा के शिकायत दर्ज कराई थी। श्रद्धा के सिर की तलाश जारी। श्रद्धा बॉकर मर्डर केस में हर रोज नए खुलासे हो रहे, लेकिन अब तक पुलिस को ना तो श्रद्धा का सिर मिला है, ना ही जिस वेपन से उसका मर्डर किया गया था वो हाथ लगा है। अब तक जो भी कहानी सामने आ रही वो आरोपी आफताब का कबूलनामा ही है। ऐसे में सवाल उठा रहे हैं कि अगर श्रद्धा का सिर और मर्डर वेपन ना मिले तो पुलिस कैसे साबित करेगी कि मर्डर आफताब ने ही किया है। मगर कोर्ट में आफताब अपनी बात से मुकर जाए तो फिर पुलिस के लिए साबित करना काफी मुश्किल हो जाएगा कि आफताब गुनाहगार है। श्रद्धा मर्डर केस में अब तक उसका सिर नहीं मिला है, तो पुलिस की कोशिश है कि सबसे पहले श्रद्धा का सिर ढूंढा जाए। अगर पुलिस के हाथ सिर लग भी जाए तो श्रद्धा का ये है या नहीं कंफर्म करना जरूरी होगा। ऐसे में पुलिस फॉरेंसिक मदद लेगी और फेस रिस्ट्रक्शन 3D स्कल सुपर इम्प्रोजेक्शन के जरिए से कंफर्म करेगी और सिर श्रद्धा का ही है। स्कल सुपर इम्प्रोजेक्शन एंड फेस रिस्ट्रक्शन टेक्निक फोटोग्राफिक वीडियो और कंप्यूटर असिस्ट 3 तरह से काम करती है। इस टेक्निक से 3D की मदद से मृतक के चेहरे को बनाया जाता है। किसी भी केस में इस टेक्निक का इस्तेमाल तब किया जाता है जब DNA फिंगरप्रिंट्स और भी बाकी सारे विकल्प काम नहीं कर रहे हो। तो गैंगस्टर टीनू को गुपचुप तरीके से लाया गया मोहाली। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले हत्याकांड में शामिल गैंगस्टर दीपक टीनू को फर्जी पासपोर्ट के एक मामले में पुलिस 17 नवंबर को गुपचुप तरीके से मोहाली लाई है। पुलिस ने टीनू को कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए उसके रिमांड की मांग की है। कोर्ट ने टीनू को 25 नवंबर तक रिमांड पर भेजा। पुलिस टीनू में फर्जी पासपोर्ट मामले समेत अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ कर रही है। टीनू का फर्जी पासपोर्ट किसने बनवाया, पुलिस
ये भी पता लगाने में सहित उसके अन्य फरार साथियों के बारे में भी पूछताछ कर रहे हैं। टीनू के अलावा उसके कितने अन्य साथियों के फर्जी पासपोर्ट बने हैं ये भी पता लगाया जा रहा है। इससे पहले पंजाब पुलिस गैंगस्टर दीपक टीनू को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड पर लाई थी। फिलहाल टीनू के कई साथी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। दीपक टीनू को मूसेवाला कत्ल केस में अभी तक यही रोल देखा जा रहा है कि ये गोलियां चलाने वाले शूटरों में भी वह शामिल था। टीनू भी मुख्य आरोपी में है। कुछ दिनों पहले मानसा के CIA इंचार्ज प्रितपाल सिंह के लापरवाही से ये आसानी से फरार हो गया था। ईडी के फर्जी नोटिस भेजकर वसूलते थे करोड़ों रुपए। ईडी के फर्जी नोटिस भेजकर वसूली करने वाले एक गैंग का खुलासा हुआ। इस सिलसिले में दिल्ली के क्राइम ब्रांच ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया। हाल ही में इस गैंग में मुंबई के कारोबारी को अपना शिकार बनाया। उनमें से 15 से 20 करोड़ रुपए वसूलने की कोशिश की गई है। इस गैंग के सदस्य फिल्म स्पेशल 26 देखकर प्रेरित हुए थे। पुलिस ने इनका पास से बाहर मोबाइल फोन और एक मारुति रिसियास कार बरामद की है। आरोपियों की पहचान अखिलेश मिश्रा, दर्शन हरीश जोशी, विनोद कुमार पटेल, धर्मेंद्र कुमार गिरी, नरेश महोते, असरार अली, विष्णु प्रसाद, देवेंद्र कुमार और गजेंद्र उर्फ गुड्डू के तौर पर हुई। आरोपियों में अखिलेश मिश्रा महज 10वीं कक्षा तक ही पढ़ा है। उसी ने पीड़ित को मैसेज और कॉल कर ईडी को लेकर डराया था और आरोपी विष्णु प्रसाद उर्फ पूर्व लोकसभा सांसद के पास बतौर PA का काम कर चुका था। प्रेमिका को छत से फेंकने वाले के साथ एनकाउंटर। लखनऊ में एक लड़की को चौथी मंजिल से फेंकने के आरोपी सुफियान को पुलिस ने एक मुठभेड़ में पकड़ लिया है। उसके दाएं पैर में गोली लगी और उसे KGMU के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है। शुक्रवार सुबह ही पुलिस कमिश्नर की ओर से सुफियान पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। सुफियान और उसके परिवार मंगलवार रात घटना के बाद फरार थे और आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि वह दुबग्गा में है। इसके बाद ACP काकोरी DK सिंह अगुआई में पुलिस टीम ने इलाके की घेराबंदी की। खुद को घिरता देख सुफियान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाब में गोली चलाई जिसके बाद वह घायल हो गया। परिवार ने पुलिस में जो शिकायत की है उसके मुताबिक दुबग्गा में रहने वाला निधि गुप्ता 19 वर्षीय और सुफियान में प्रेम संबंध। लड़की के परिवार को यह बात पता चली तो विरोध करने सुफियान के घर पहुंचे और शिकायत की। लड़की के मामा को मारने के लिए सुफियान बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर चढ़ा और पीछे लड़की के मामा भी आ गए। सुफियान मामा की कॉलर पकड़कर उन पर हमला करने वाला ही था। निधि वहीं पहुंच गई। निधि के वहां पहुंचते ही सुफियान ने उसे धक्का दे दिया। ज्ञानवापी प्रकरण में शंकराचार्य के मुकदमे की सुनवाई टली। वाराणसी में सिविल जज सीनियर डिवीजन कुमुद लता त्रिपाठी की अदालत में शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद की तरफ से दाखिल मुकदमे की सुनवाई शुक्रवार को एक बार फिर टल गई है। कोर्ट के पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर रहने के कारण अब वे इस मामले की अगली सुनवाई की डेट 23 नवंबर नियुक्त की गई है। जो बद्रीनाथ के शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के अधिवक्ता रमेश उपाध्यक्ष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि ज्ञान वापस जुड़े सभी मामलों की सुनवाई एक ही कोर्ट में हो। जो ऐसे में जिला जज के अदालत में जल्द आवेदन पत्र देकर सभी मुकदमे की सुनवाई एक साथ फिर किए जाने के अनुरोध किया जाएगा। स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद की तरफ से दाखिल इस मुकदमे में ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की पूजा पाठ राग भोग और श्रृंगार की अनुमति मांगी गई है। नैनी सेंट्रल जेल भेजा गया अब्बास अंसारी। माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को आज प्रवर्तन निदेशालय ने प्रयागराज के जिला अदालत में पेश किया है। जिला अदालत ने ईडी और अब्बास अंसारी के अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद अब्बास अंसारी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया है। विधायक अब्बास अंसारी अब नैनी सेंट्रल जेल में रहेंगे। इससे पहले ईडी ने अब्बास अंसारी को 12 नवम्बर को जिला अदालत में पेश किया था और 7 दिन की रिमांड बढ़ाने की अर्जी दी थी। जिला जज संतोष राय ने अब्बास अंसारी की रिमांड 7 दिन और देते हुए शर्त लगाई गई है कि उसका टॉर्चर नहीं किया जाएगा और मेडिकल करार 18 नवंबर को अपहरण 2 बजे पुनः पेश किया जाएगा। आज रिमांड के आखिरी दिन होने के कारण ईडी ने अब्बास अंसारी को जिला अदालत में पेश किया था। अब OTT पर धमाल मचाई कंतारा। बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ने के बाद अब कंतारा OTT पर धमाल मचाने के लिए तैयार है। फिल्म आने वाली 24 नवंबर को अमेजन प्राइम वीडियोज पर स्ट्रीम होगी। फिल्म को हिंदी समेत तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में
स्ट्रीम होगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पहले कंतार 4 नवंबर को ओटीटी पर रिलीज होने वाली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर दमदार प्रदर्शन के चलते रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया गया। इसके बाद फिल्म 11 नवंबर को स्ट्रीम होने वाली थी, हालांकि दोबारा स्ट्रीमिंग डेट एक बार से फिर बदल गई है। यदि सुबह की 10 ताज़ी खबरें ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।